नीत में नहीं होता है किसी का कोई अस्थाई शत्रु और मित्र। समय एक ऐसा मरहम है जो बड़े बड़े घावों को भर देता है। जी हाँ, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से ग्लोबल रूप में जो भी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं देश विदेशों से, सभी को विनम्र भाव से हमारा यथोचित नमस्कार। विषय हमारा है मायावती जी ने मुलायम पर लगे मुकदमे जो उनके ऊपर किए गए थे गेस्ट हाउस कांड में, उसे वापस ले लिया। क्या है पूरा मामला जानते हैं। जगह जगह चट्टी चौराहों पर लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, गांव में लोग कर रहे हैं, दोनों दलों के कार्यकर्ता कर रहे हैं। कोई बहन जी को अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, कोई धरती पुत्र के लिए कह रहा है चलिए भैया बुढ़ापे में जान बची, पता नहीं क्या होता इस फैसले में। कुछ लोगों ने यह कहा कि फैसला इतना जल्दी तो होना नहीं था, जिस प्रकार की लचर न्याय व्यवस्था है उसमें यह होने से रहा। चलिए बताते हैं, आप इस बात से भिज्ञ भी हैं, कोई नई बात पे नहीं बता रहा हूँ जो आप सभी के जेहन में है। 1993 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, कारण कि उधर बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि को लेकर के जो विवाद हुआ था उसमें ध्रुवीकरण हुआ था तमाम दलों का, उसमें सपा बसपा का गठबंधन हुआ था। होने के साथ ही मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बने थे। 1995 में 2 जून को मायावती ने समर्थन वापस कर ले लिया। मीराबाई गेस्ट हाउस में तमाम कार्यकर्ता गए और फिर दरवाज़ा तोड़ा। आक्रामक भीड़ थी, भीड़ उन्मादी थी, भीड़ का कोई नेतृत्व नहीं था, वह मरने मारने पर आमादा थी। ऐसे में दरवाजे तोड़े गए और मायावती जी के साथ बदतमीजी की गई, उनके कपड़े फाड़े गए, किसी तरह से जान बचा। जान बचाने वालों में ब्रह्मदत्त द्विवेदी, लालजी टंडन इत्यादि का नाम आता है। फिर मुकदमा हुआ सुसंगत धाराओं में, तमाम लोगों पर मुकदमा चलता रहा और ऐसे ही दोनों में टकराव की स्थिति होती रही, एक कभी नहीं हुए। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आई जब भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए लोकसभा में 2019 में सपा और बसपा का पुनः गठबंधन होता है। यद्यपि 2014 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली थी, इसलिए अपरिहार्य हो गया था कि मिलकर के लड़ा जाए, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना इसको प्रतिष्ठापित करते हुए दोनों ने चुनाव लड़ा। 10 सीटें मायावती को लोकसभा में मिलती हैं, यानी बहुजन समाज पार्टी को। समाजवादी पार्टी को काफ़ी सीटें गंवानी पड़ी, 5 सीट पर ही समझौता करना संतोष करना पड़ा। अब बात आगे बढ़ी, उसी समय अकॉर्डिंग टू सतीश मिश्रा जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनके द्वारा यह कहा गया कि अखिलेश ने बहन जी से सिफारिश किया था कि पिताजी पर जो मुकदमे हैं नेताजी पर, उसे वापस किया जाए, जिसके आधार पर मायावती ने उन्हें वचन दिया था और यह मुकदमे वापस किए गए। इसमें और भी आरोपी हैं, जैसे शिवपाल यादव हैं, मुलायम सिंह के छोटे भाई आजम खान हैं, इत्यादि इत्यादि। ना आजम खान से मुकदमा उठा, ना ही शिवपाल यादव से उठा, लेकिन मुलायम सिंह के प्रति दरिया दिली दिखाते हुए मायावती ने वह मुकदमा वापस ले लिया। अब अंदाजा यह भी जानकारों का, जो राजनीतिक क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखते हैं, जो अच्छे जानकार हैं, जिनकी पकड़ है, जो हमेशा ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करते रहते हैं, भविष्यवाणी करते रहते हैं और भीतर से बातें निकाल करके ले आते हैं, छनकर जो बातें आ रही हैं उसमें यह भी है कि इस बार जो चुनाव हुआ था, अभी उपचुनाव हुए थे, उसमें बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत ख़राब थी। 10 सीटें मिलने के बाद उनको लगा होगा कि हम काफ़ी अच्छे हो गए हैं। फिर उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साथ नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमने तो साथ दिया, किंतु बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, उनके जो वोटर हैं, वो हमारा साथ नहीं दिए, इसलिए हमें अपेक्षित सीटें लोकसभा चुनाव 2019 में नहीं मिल पाईं। अब दोनों में सच्चाई क्या है, इस पर बहुत अधिक चर्चा न करते हुए मुझे जो लगता है वो यह है कि समाजवादी पार्टी के जो वर्कर हैं उन लोगों ने साथ दिया था, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने भी दिया होगा, लेकिन जिस प्रकार
सिर चढ़ करके गठबंधन का जादू समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बोल रहा था, वैसा मैंने समाज बहुजन समाज पार्टी पर नहीं देखा। और अगर इन लोगों ने साथ न दिया होता तो 10-10 सीटें आती नहीं। और गठबंधन टूट गया, फिर जो उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें भी स्थिति देखने में यथार्थ का आकलन कर लेना चाहिए। अब लग रहा है कि आगे जो चुनाव आएंगे उसमें बहुजन समाज पार्टी ने अपना आकलन कर लिया है, अपने पुरुषार्थ का, अपने कार्यकर्ताओं की क्षमता का, दक्षता का, और पूर्व के दिनों में जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पर शायद अगली बार फिर गठबंधन हो। बहरहाल ओल्ड एज के मुलायम सिंह पर जो लगा था मुकदमा वह वापस हो गया, और कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं कि नेताजी के ऊपर जो लगा हुआ मुकदमा था वो वापस हो गया। अब राजनीति में आगे क्या होता है यह तो समय ही बताएगा, लेकिन समय एक ऐसा मरहम है जो बड़े से बड़े घाव को भर देता है, भरने में देर नहीं लगती, और प्रतिक्रिया बहुत दिन तक नहीं रहती। हत्याओं के मामले में भी मुकदमे वापस हो जाते हैं, लोग समझौता कर लेते हैं, फिर एक साथ खाने पीने लगते हैं। बहरहाल नेताजी के ऊपर जो मुकदमा था वह उठा, और बहन जी को धन्यवाद, नेताजी को भी धन्यवाद कि कम से कम यह मुकदमा लेकर के अंतिम सांस नहीं लेंगे। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज पुनः एक राजनीतिक चर्चा करते हुए धन्यवाद।